नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अम्बाला छावनी के विकास में नया आयाम स्थापित करने वाले नेताओं को आईना दिखाते हुए इनेलो प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह ने कहा कि अम्बाला छावनी जैसा विकास और कहां मिलेगा। पक्की टाइल वाली पूरी की पूरी गली तोड़कर दोबारा टाइल लगा दी गई। यह विकास नहीं, धन की बर्बादी है। यह नज़ारा है पटेल नगर का, जहां विकास के नाम पर सड़क तोड़कर फिर बनाई गई। कोई पूछने कहने वाला नहीं, सब चौकीदार गायब हैं। अम्बाला छावनी को सिंगापुर बनाने के दावा करने वाले शायद नहीं जानते कि काम धंधे चौपट और व्यापार सड़क पर। यही है अम्बाला छावनी की कहानी। विकास के नाम पर अम्बाला छावनी को बर्बाद कर दिया गया है। प्रत्येक सड़क टूटी हुई है। प्रशासन को एक ऐप ऐसा भी जारी करना चाहिए जो यह बताए कि कौन सी सड़क किस स्थान से टूटी हुई है और कौन से स्थान से बंद है, ताकि आपातकालीन स्थिति में किसी का समय बर्बाद ना हो सके। रोजगार देने के नाम पर शून्य डिग्री पर पहुंचे अम्बाला छावनी में मौजूदा सरकार की ओर से पिछले 7 वर्षों में हल्के में कितनी नौकरियां दी गई, उसकी लिस्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, ताकि जनता सच्चाई से रूबरू हो सके। विभिन्न सरकारी विभागों में आपसी तालमेल से विकास कार्य किए जाने चाहिए, ताकि जनधन की बर्बादी ना हो और जनता की परेशानी खत्म हो सके। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। अम्बाला छावनी में विकास का दम भरने वाले जो बड़े बड़े नेता कहते हैं, अम्बाला छावनी को हमने सिंगापुर बना दिया, चंडीगढ़ बना दिया अम्बाला छावनी को, वो जरा विकास की तस्वीर तो देखें। पूरी की पूरी सड़क तोड़कर पटेल नगर की दोबारा बना दी गई। कहाँ गई ये पुरानी टाइल, कहाँ से आई नई टाइल? विकास का कार्य करने से पहले आपसी विभागों में तालमेल क्यों नहीं है? क्यों पाइप दोबारा डलते हैं बनने के बाद? क्यों तार दोबारा डलती है? क्यों सीवर दोबारा डलते हैं? ये तालमेल की कमी के करके अम्बाला में विकास नहीं, विनाश हो रहा है, जनधन की बर्बादी हो रही है। और ये ढकोसलेबाजी छोड़कर जो नेता हैं यहाँ के अम्बाला के बीजेपी के, वो देखें कि धरातल पर क्या हो रहा है, विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है। जनता की नज़र में विनाश है आज अम्बाला की। कोई भी सड़क साबुत नहीं है, जिस सड़क पर जाओ वो कहीं ना कहीं बंद है, कहीं टूटी हुई है। नगर परिषद और प्रशासन और बीजेपी नेताओं को एक ऐसा ऐप भी जारी करना चाहिए जिससे पता लगे सड़क आगे बंद है, खुली है या टूटी हुई है। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।